सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, सात संगत जी, आज जो आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। सात संगत, यह साखी एक ऐसे सेवादार भाई की है कि जिनकी ड्यूटी मेन गेट पर लगी हुई थी और वहां सत्संग घर में बाबा जी का प्रोग्राम होना था। सात संगत जी, आप जो जानकर हैरान रह जाओगे, देखिए किस प्रकार से वह मालिक ना जाने किस रूप में आकर अपने सेवादारों को दर्शन देकर चले जाते हैं, लेकिन हम हैं कि सेवा करने से दूर भागते हैं, कभी सेवा करना ही नहीं चाहते। आज आप इस साखी को सुनने के बाद कहेंगे कि सेवा बड़े ऊंचे भाग्य वालों को मिलती है और ना जाने वह मालिक किस रूप में आकर हमें दर्शन दे जाते हैं। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ साकी एक ऐसे सेवादार भाई की है जो कि बड़े ही प्रेम से अपने सेवा और सत्संग में जाया करते थे। सत्संग जी, एक बार उनकी ड्यूटी बाबा जी के प्रोग्राम जहाँ होना था उस सत्संग सेंटर में लगी हुई थी और वहाँ ड्यूटी उनकी मेन गेट पर लगी हुई थी, जहाँ से कि हमारे प्यारे कुल मालिक बाबा जी गुजर कर जाने वाले थे। अब वहाँ प्रोग्राम एक दिन बाद था और उनकी ड्यूटी दो दिन पहले ही वहाँ लगा दी गई थी। देखिए, वहाँ कुल मालिक ना जाने किस रूप में आकर दर्शन देते हैं। तो वहाँ सेवादार भाई रात के 12 बजे से तो सुबह 6 बजे तक ड्यूटी देना था। अब वहाँ सेवादार भाई रात के 12 बजे जाकर वहाँ गेट पर खड़े हो गए और सुबह ड्यूटी तक खड़े रहे। सत्संग जी, इसी के बीच लगभग रात के 2 से 3 बजे हुए थे और देखिए वहाँ क्या होता है कि उस भाई को नींद आने लग गई, लेकिन उसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली और अपनी सेवा में गुरु के हुक्म मानकर खड़ा रहा। सात संगत जी, जैसे ही 2:30 बजे एक सफ़ेद कपड़े और पगड़ी बांधे हुए एक बुज़ुर्ग वहाँ आते हैं और उस भाई से कहते हैं, भाई थोड़ी देर के लिए आप विश्राम कर लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन वह सेवादार भाई बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि नहीं जी, हमारे कुल मालिक का हुक्म है, हम इस सेवा से विमुख नहीं हो सकते, हमें यहीं सुबह तक खड़े रहना है। यहाँ कहकर वह बुज़ुर्ग से वह सेवादार भाई मना कर देते हैं कि मैं सेवा नहीं छोड़ सकता और नहीं सो सकता, क्योंकि 2 दिन के लिए मुझे यह सेवा मिली है और मेरे कुल मालिक के मेन गेट पर मिली है। सत्संग जी, यहाँ भाव, यहाँ प्रेम और यहाँ विनम्रता और यहाँ सेवा के प्रति समर्पण देखकर वहाँ सरदार जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उस भाई से कहते हैं कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे गुरु जिन्होंने तुम्हें यहाँ बख्शिश दी है। बड़े ही विरले और बड़े ही शूर में लोग रहते हैं जिन्हें यह सेवा मिलती है और आप उन सभी में से एक हो जिन्हें यह सेवा का हक मिला है और आप पूरी जिम्मेवारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से सेवा कर रहे हो। सात संगत जी, यहाँ सुनकर वहाँ सेवादार भाई अपनी सेवा पे सामने मुँह करके खड़े थे और वहाँ कुछ पल बाद देखते हैं कि वहाँ जो बोल रहे थे सरदार जी एकदम से चुप हो गए। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कहना चाहते थे कि आप बैठ जाओ, लेकिन वह देखते हैं पीछे मुड़कर तो क्या होता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। सात संगत जी, यहाँ देख करो भाई कि आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि देखिए, हमारे कुल मालिक स्वयं हमें यहाँ विश्राम करने के लिए कहने आए थे और स्वयं सेवा पर खड़े होने आए थे। देखिए, वह कुल मालिक तो जाने जाने, वो सब जानता है, उसे सब पता है, इसलिए हमें सेवा के प्रति पूरा समर्पण और बड़े ही प्रेम से करना चाहिए जी। देखिए, बड़े ऊँचे भाग्य वालों को सेवा मिलती है और वह भाई कितना भाग्यशाली जिसे स्वयं मालिक दर्शन देने आते हैं। सात संगत जी, देखिए, इसलिए हमें जहाँ जो उस मालिक के हुक्म की सेवा मिली, हमें प्रेम से सेवा करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, धन्यवाद।